आज मैं ये बताने जा रहा हूँ कि श्री रामचरित मानस में जो एक चौपाई आती है, ढोल गवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी, ये जो चौपाई आई है इसमें लोग अपना अपना मत रखते हैं लगा और बड़े भ्रमित होते हैं, जबकि गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा उनका सीधा सरल अर्थ है, उनका जो सरल अर्थ है और वही जो सटीक अर्थ है। तो पहले मैं उस सटीक अर्थ को बताऊं, वो सटीक अर्थ क्या है। सटीक अर्थ यह है कि ताड़ना यानी निगरानी, ताड़ना से तात्पर्य है निगरानी, निगरानी। तो निगरानी जो सही शब्द है, ढोल को जब तक मैं अगर निगरानी नहीं रखोगे तो बजेगा क्या, गड़बड़ हो जाएगा कहीं ना कहीं, गंवार करने वाली नहीं रखो कभी गंवारी कर जाएगा, शूद्र का काम सेवा करना तो वो कभी भी गड़बड़ कर देगा, पशु को जो निगरानी रखोगे किसी के भी खेत में घुस जाए कुछ भी करेगा, और नारी को निगरानी नहीं रखो। तो मतलब इनका निगरानी रखने की बात गोस्वामी तुलसीदास, सकल ताड़ना सकल सभी निगरानी के पात्र हैं, निगरानी इनके ऊपर रखी जाए। दूसरा अर्थ जो ताड़ना से जो साधारण लोग लगाते हैं मारने से बड़े, तो कौन कौन मारने के अधिकारी, मारने वाली बात, मारने के बाद भाई देखिए कौन, तो शक ढोल अगर नहीं पीटोगे नहीं तो मारोगे नहीं तो फिर बजेगा कैसे, और शूद्र गंवार विशेषण लगा हुआ है जो शूद्र सेवा करने वाला के, लेकिन गंवार है तो उसको अगर जब तक पिटाई वो नहीं होगी तब तो जब सजा नहीं तब तक भी वो नदबाज नहीं आएगा। नारी कौन से पशुवत, जिस नारी के आचरण पशुवत है, अगर पशुवत आचरण सभी नहीं, पशुवत आचरण वाली नारी अगर है आचरण उसके पशुवत है तो उसको भी वो भी है ना, जब तक सजा ना दी जाए वो भी नहीं सही रहे। तो ये इन किसके लिए जो तो मारने वाली जो बात आई है, यहाँ इस प्रकार की बात आई है कि इनको मारना कम, और निगरानी वाला तो पूरा समझे गया। पर ये जो सटीक अर्थ है, इस अर्थ में आप और गौर करेंगे, ढोल गवार शूद्र पशु नारी, जो सटीक अर्थ है वो यही है निगरानी करने वाला, इनकी निगरानी बहुत आवश्यक है, जबकि लोग उसको गलत पीटने से लगा लेते, सभी पीटने के ढोल गंवार को भी शुद्ध, और मैं पीटने को बता दिया दूध पहले तो ये कि भाई ये, लेकिन पीटने के कौन कौन से हूँ बता दे, अतः सटीक अर्थ वही है, इस सटीक अर्थ को समझें, इसी के अनुसार चलें, इसी को समझें, यही करना।